हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शैलीज लैंग्वेज लैब आई एम डॉक्टर शैली और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन विलिंगटन सिंज के बारे में आपको मैं बता दू कि मेरे वीडियोज़ बायो लिंग्वल होते हैं सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज़ बैकग्राउंड हिज लाइफ स्टोरी ऑल हिज़ वर्कस इन ब्रीफ एंड द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आप भी नेट या सेट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं इस वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो नेट या सेट एग्जाम में आ सकते हैं उनके सारे वर्क्स और कैरेक्टर्स ब्रीफ में और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और वर्क्स हैं उन पर मैं स्पेशल फोकस करूँगी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी इस वीडियो में कवर होने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा कमिंग टू अवर फर्स्ट स्लाइड द फुल नेम ऑफ जे एम सिंज इज एडमंड जॉन मिलिंगटन सिंज तो उनका जन्म हुआ था डबलिन के ही पास के एक गाँव में डबलिन है आयरलैंड में एंड ही वॉज बॉर्न इन 1871 सेवनटी वन एंड ही डाइड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन तो वो एक आयरिश नावलिस्ट आयरिश राइटर थे उनने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी प्ले राइट भी थे वो और पोइट भी थे और एसेस भी थे पर उन्हें एक्चुअली में जाना जाता है उनके ड्रामाज के लिए ही वॉज ऑल्सो अ की फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल और उनको एक रीजनल ड्रामेटिस्ट के तौर पर भी पढ़ा जाता है अब रीजनल ड्रामेटिस्ट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ जब भी कोई राइटर एक पर्टिकुलर प्लेस में ही अपने सारे कैरेक्टर्स को या अपने नॉवेल्स को सेट करता है यानी कि जो बैकग्राउंड है जो प्लेस है जहाँ सारी की सारी हैपनिंग्स हो रही हैं जहाँ सारी की सारी स्टोरी चल रही है तो वो प्लेस उसका सेटिंग होती है जितनी भी उनके नॉवेल्स होंगे या शॉर्ट स्टोरी होंगी मोस्ट ऑफ देम आर सेट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और वो प्लेस फिक्शनल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है जे एम सेंज के केस में एरान आईलैंड रियली एग्जिस्टेड तो ऐरान आइलैंड नाम की एक जगह थी जहाँ जाने के लिए डब्ल्यू बी ईट्स ने उनको सजेस्ट किया था कि तुम पैरिस में रह करके कुछ नहीं सीख पाओगे सो यू नीड टू गिव अप पैरिस एंड गो टू एरान आइलैंड एंड लिव अमंग दोज प्रजेंट्स एज इफ़ यू आर वन ऑफ देम उसी तरह से आर के नारायण हैं उन्होंने भी एक रीजन था मालगुड़ी उसी में ही अपनी सारी स्टोरीज़ को सेट किया है पर मालगुड़ी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था वो एक फ़िक्शनल प्लेस है उसी तरह से टॉमस हार्डी हैं टॉमस हार्डी ने भी जितने भी उनके नॉवेल्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर सेट इन वेसेक्स सो ये जो जगत ही वेसेक्स ये भी फिक्शनल है बट जेम्स एम के केस में एरान आइलैंड एक्चुअली एग्जिस्टेड तो जेम्स एम सिंझ एरान आई में बहुत टाइम तक रहे थे और ही प्रोड्यूस्ड हिज मास्टर पीस इज़ देयर अब जो दो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जे एम सिंझ के वो है राइडर्स टू द सी एंड द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और इन दोनों वर्कस पे हम स्पेशल अटेंशन देंगे दीज आर ऑल वर्क ऑफ जे एम सिंझ यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है और उनका फर्स्ट वर्क हमेशा याद रखना है हिज फर्स्ट वर्क वॉज इन द शेडो ऑफ द ग्लैन जिसको बाद में द शेडो ऑफ द ग्लैन के नाम से भी पब्लिश किया गया और ये पब्लिश हुआ था 1903 में देन राइडर्स टू द सी इट वॉज पब्लिश इन 1904 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है सिंज का देन द वेल ऑफ द सेन्ट्स 1905 हंड्रेड जितने भी मैंने यहाँ ब्लू कलर में हाईलाइट किए हैं ये उनके ड्रामाज हैं देन द आरैन आइलैंड्स इट इज़ अ प्रोज वर्क द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और नेट में से क्वेश्चन आए हैं द टिंकर्स वेडिंग इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं पर फिर भी आप को मैं ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी पोइम्स एंड ट्रांसलेशंस में उनकी पोएम्स हैं अर्ली पोएम्स हैं उनकी और देर इज़ एन द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल वर्क बाय जे एम सिंज दैट इज़ डियर डे ऑफ द सोरोज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी और एक कैल्टिक मिथ पे बेस्ड है इनविकलो एंड वेस्ट कैरी ये भी एक और उनका वर्क है जो कि उन्नीस में पब्लिश हुआ था अगेन पॉस्टिमसली क्योंकि उनकी डेथ नाइनटीन में ही हो गई थी जो पहला वर्क है वो है द शेडो ऑफ द एंड इट इज़ अ वन एक्ट प्ले सिर्फ एक ही एक्ट में यह पूरा प्ले है इसकी सेटिंग है काउंटी विकलो और जब ये प्ले पब्लिश हुआ था तो बहुत ज़्यादा अप्रोर हो गया था आयरलैंड में लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर दिया था क्योंकि दे कंसिडर्ड दिस प्ले एन इंसल्ट टू आयरिश वुमन हुड अभी वो क्यों है वो आपको स्टोरी में पता चलेगा सो देर आर फोर कैरेक्टर्स इन द प्ले फर्स्ट इज डैनियल बर्क जिसको डैन भी कहा जाता है पूरे प्ले में और नोरा बर्ग जो उसकी यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ है माइकल दारा जो कि उसकी वाइफ का लवर है एंड अ ट्रैम्प ट्रैम्प होता है ऐसी एक होमलेस पर्सन उसका कोई नाम नहीं दिया है इसमें अब इस स्टोरी में क्या होता है कि ये जो ट्रैम्प है ये एक शरण ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है तो ये पहुंचता है डैनियल और नौरा के घर पे और वहां देखता है कि नौरा डैन की डेड बॉडी के पास बैठी हुई है नौरा उसको देख के बोलती है कि न, न, मेरे हस्बैंड की जो है डेथ हो गई है और तुम यहाँ आके प्लीज़ बैठ जाओ थोड़ी देर और बॉडी को बॉडी का ध्यान रखना और मैं तब तक अपने नेबर्स को और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करके आती हूँ पर एक्चुअली मैं वो चले जाती है अपने लवर को बुलाने के लिए जब माइकल दारा जो कि सिर्फ पैसों के लिए नौरा के पीछे पड़ा है तो वो और नौरा वापस वहाँ आते हैं उससे पहले क्या होता है अब ये जो ट्रैम्प है ये वहाँ पे बैठा होता है डेड बॉडी के पास तो अचानक से जो डेड बॉडी है डैन की वो एकदम से उठ जाता है और वो बोलता है कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वाइफ को उसके लवर के साथ पकड़ना चाहता हूँ और जैसे ही माइकल दारा उसे प्रपोज करता है नोरा को वो माइकल दारा को उठ करके पीटने लगता है और उसे बाहर भगा देता है अब जो नौरा बर्ग है नोरा को भी डैन बाहर निकाल देता है घर से और कहता है कि तुम होमलेस रहो और तुम भी चली जाओ तो वो जो नोरा है नोरा उस ट्रैम्प के साथ चली जाती है और वो ट्रैम्प बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दूंगा एंड देन इन द एंड जो डैन है वो उसका जो लवर होता है माइकल जिसे उसने बाहर फेंका होता है उसे वापस बुलाता है और वो दोनों बैठ के फायर साइड पर चाय पीते हैं तो एक्चुअली मैं द आयरिश पीपल टू इट एज एन इंसल्ट टू देयर आयरिश वमेन क्योंकि इसमें एक ऐसी वाइफ को दिखाया है जो कि फेथफुल नहीं है अपने हस्बैंड के लिए सो दिस प्ले एक्चुअली कॉज्ड एन अप्रोर इन आयरलैंड एंड आयरिश पीपल टू किट एंड इंसल्ट टू देअर आयरिश वमेन एक्चुअली में इसकी जो थीम है वो है जो आयरिश प्रजेंट्स होते हैं उनकी जो लव लेस मैरिजेस होती हैं सिर्फ मनी के लिए होती हैं एंड उनमें कोई प्यार नहीं है तो ये उसकी एक थीम है देन कमिंग टू राइडर्स टू द सी इट इज़ वन ऑफ द मास्टर पीसेज इन इंग्लिश लिटरेचर इट इज़ अ वन एक्ट ट्रेजिडी तो ये ट्रेजिडी है कि इसे एक पोइटिक ड्रामा भी कहा जाता है इस प्ले की सेटिंग है एरन आइलैंड्स एंड द थीम इज अन अनक्वल फाइट ऑफ मैन अगेंस्ट द ऑल पावरफुल फोर्स ऑफ द सी कि कैसे हम बिल्कुल हेल्पलेस ह्यूमन बींग्स हैं और हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते पर फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं उस नेचर के अगेंस्ट जो कि ऑल पावरफुल है तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी है मैन और नेचर का और इसकी थीम है मोर्टैलिटी एंड फेट ऑल्सो सो दीज आर द कैरेक्टर्स द फर्स्ट कैरेक्टर इज मौर्य मौर्य जो है एक बहुत ही दुखी औरत है और उसके आठ बच्चे हैं उसमें से सभी मर चुके हैं एक्सेप्ट कैथलिन नौरा एंड बाटले ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है यही तीन हैं जो कि प्ले की बिगिनिंग में जिंदा हैं अब कैथलिन मौर्य की एल्डर डॉटर है नौरा उसकी यंगर डॉटर है छोटी बेटी है और बाटले जो है उसका सबसे छोटा बेटा है एंड ओनली लिविंग सन भी है वही एक बेटा है उसका जो अभी जीवित है देर इज़ ऑल्सो अ प्रीस्ट एंड ईमन साइमन स्टीफन फीटी एंड कॉलम शॉन ये उसके नेबर्स और फ्रेंड्स हैं बाटले के तो ये स्टोरी है मौर्या की मौर्या का बेटा जो माइकल है माइकल की डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है एंड ही इज़ लॉस्ड इन दी फॉर एट डेज नौरा और कैथलिन दोनों उसकी लड़कियाँ काम कर रही हैं किचन में और वह दोनों डिस्कस करती हैं कि माइकल की बॉडी अभी तक नहीं मिली है और प्रीस्ट ने उन्हें कुछ कपड़े दिए होते हैं कि तुम आइडेंटिफाई करो कि ये माइकल के हैं या नहीं और वो आइडेंटिफाई करते हैं तो पता चलता है कि वो माइकल के ही हैं अब उनकी माँ वहाँ आती है तो वो अपनी माँ को बताती नहीं है कि ये कपड़े माइकल के मिले हैं और उसे फार नॉर्थ में उसको दफना भी दिया गया है अब बाटले जो कि ओनली लिविंग सन है मौर्य का वो भी सी में जाने की ज़िद कर रहा है वो मेन लैंड में जाना चाहता है गोलवे फेयर में और वो चाहता है वहाँ जाकर के वो थोड़ा फैमिली के लिए पैसे वगैरह कमाए कुछ चीज़ों को बेच के तो वो अपने घोड़ों को बेचना चाहता है और थोड़े पैसे फ़ैमिली के लिए कमाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वही एक अकेला मेल बचा है जो घर से बाहर जाके काम कर सकता है तो ही टेक्स होल रिस्पॉन्सबिलिटी ऑन ए शोल्डर्स पर बाटले को मौर्य मना करती है कि वो वहाँ ना जाए पर बाटले उसकी एक भी नहीं सुनता और वो चला जाता है इन द एंड बाटले ऑल्सो डाइज और जब उसकी डेथ होती है तो फिर मौर्या एकदम फेयरलेस हो जाती है एंड शी सेज दैट देयर इज इन एनी थिंग मोर द सी कैन डू टू मी कि अब ये जो समुद्र है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा मुझे किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचा सकता है जो मेरी स्लीपलेस नाइट्स थी नाउ आई कैन स्लीप अब मुझे किसी के लिए प्रेयर नहीं करनी है क्योंकि अब कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा एंड इन द एंड देर इज़ अ वेरी पावरफुल डायलॉग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शी सेज दैट नो मैन आफ्टर ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सेटिसफाइड तो बोलती है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता और हमें सेटिसफाइड रहना चाहिए अब इस प्ले की खास बात यह है कि ये एक वन एक्ट ट्रेजिडी है और इस एक एक्ट में एवरी थिंग हैपन्स एंड इट फील्स वेरी कम्प्लीट ये एक मास्टर पीस है इंग्लिश लिटरेचर में और बहुत ही छोटा सा प्ले है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आराम से इसे पढ़ सकते हो आधे एक घंटे में आराम से आप पढ़ लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है आप इसे पढ़ लीजिए देन द वेल ऑफ द सेंट्स दिस वर्क वॉज पब्लिश इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव ये जो प्ले है ये एक मिक्सचर है कॉमेडी और ट्रेजिडी का इसकी सेटिंग जो है एक माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है कोई पहाड़ियों पे कोई एक गांव है वहाँ की है देर आर फाइव कैरेक्टर्स इन दिस प्ले फर्स्ट इज़ मार्टिन डोल एंड मैरी डोल जो कि एक ब्लाइंड कपल है दोनों ही अंधे हैं और देर इज़ टिमी टिमी एक यंग ब्लैक स्मिथ है और बर्न uh, उसकी फ्योन से है और यहाँ पे एक सेंट है जो कि इन दोनों मार्टिन और डॉल और मेरी डॉल के पास आता है और उनकी जो साइट है उसको रिकवर कर देता है तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि मार्टिन और मेरी दोनों के दोनों एक गांव में रहते हैं और गांव वाले उनको हमेशा बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर हो अब बेसिकली वो दोनों अंधे हैं दे बोथ आर ब्लाइंड और उन्हें लगता है कि हाँ वो दोनों शायद बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं अब एक दिन वहाँ पे एक होली सेंट आता है और उन दोनों की साइट रिकवर कर देता है उन दोनों की जो आंखों की रोशनी है वो वापस आ जाती है जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही अगली हैं और आ, बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं एंड दे बिकम वेरी सैड अब क्योंकि वो अंधे भी नहीं हैं और आ, अब वो अपना काम खुद कर सकते हैं तो लोग उन्हें भीग देना भी बंद कर देते हैं और उन्हें काम करना पड़ता है तो मार्टिन डोल जो है वो टिमी के यहाँ काम करने चला जाता है टिमी की जो फ्योन्से है मौली बर्न मॉलीबर्न बर्न को वो सड्यूस करने की कोशिश करता है पर मौली मार्टिन को रिजेक्ट कर देती है अब धीरे धीरे उन दोनों की एज फिर से बढ़ने लगती है मार्टिन और मेरी डॉल की और बाद में वो दोबारा से अंधे हो जाते हैं उनकी साइट फिर से चली जाती है अब मौली बर्न और टिमी की शादी होने वाली है और वो होली सेंट दोबारा से आता है उन दोनों की शादी कराने के लिए तो वो फिर से मार्टिन और मेरी को सजेस्ट करता है कि मैं तुम दोनों की आंखों की रोशनी दोबारा से वापस ले आऊँगा पर मार्टिन और मेरी डॉल उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं एंड दे से दैट दे आर हैप्पी नाउ देन बिफोर तो जो गांव वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि उन्होंने उस सेंट की इंसल्ट कर दी और वो उस कपल को बैनिश कर देते हैं अपने गांव से निकाल देते हैं और मार्टिन डोल और मेरी डोल दोनों के दोनों साउथ की तरफ चले जाते हैं टू फाइंड सम कंपनी तो यहीं पे प्ले एंड हो जाता है द सिचुएशन बिकम्स वेरी कॉमिक समटाइम्स तो कभी ये कॉमेडी है और कभी ट्रेजिडी है देन देयर इज़ अनदर वर्क द एरह आइलैंड्स ये वर्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब एरान आइलैंड में जे एम रहे थे उन्होंने इसमें अपनी डायरी uh, एंट्रीज की थी सो इट इज़ एक्चुअली अ फोर पार्ट कलेक्शन ऑफ जर्नल एंट्रीज इट इज़ अ प्रोज वर्क और इसमें उनने अपने ट्रैवल्स के बारे में लिखा है कि जब वो एरान आइलैंड्स में उनने ट्रैवल किया जब आइलैंड में उनने ट्रैवल किया तो किस तरह के लोगों से मिले और किस तरह की उनके इंटरेक्शन्स रहे लोगों के साथ उनके कल्चर के साथ और ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द जोग्राफ़ी ऑफ द आइलैंड और उन्होंने आयरिश प्रजेंट्स की लाइफ के बारे में भी बहुत डिटेल में बात की है जिनसे मोस्ट ऑफ़ हिज वर्क्स आर इंस्पायर्ड देन देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्ले और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट और सेट के परस्पेक्टिव से द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये पब्लिश हुआ था 1907 में इट इज़ अ थ्री एक्ट प्ले और इस प्ले की वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था आयरलैंड में भी और यूएसए में भी इसकी सेटिंग है काउंटी मेयो और बेसिकली इसकी जो प्रॉपर पर्टिकुलर सेटिंग है वो है माइकल जेम्स फ्लेहार्टी का एक टैवर्न है एक पब है वहीं ये सारा का सारा एक्शन होता है तो आई गेस आपको सेटिंग का मतलब समझ आ गया है सेटिंग मतलब कि जहाँ पे सारा का सारा एक्शन टेक्स प्लेस सो क्रिस्टी मेहॉन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले देर इज एन ओल्ड मेहॉन क्रिस्टीज फादर देर इज अनदर कैरेक्टर माइकल जेम्स फ्लाहर्टी जिसकी वो टेवर्न है या जिसका वो पब है और मार्गरेट Ma फ्लाहर्टी मार्ग्रेट फ्लाहर्टी को हम इस पूरे प्ले में पजीन माइक के नाम से जानते हैं जो कि माइकल की डॉटर है और वो बार की तरह काम करती है मार्ग्रेट फ्लाहर्टी जो है पजीन माइक यानी कि वो शॉन से उसकी इंगेजमेंट हुई है एंड एक और कैरेक्टर इसमें है जो है विडो क्विन जो स्टोरी है वो है क्रिस्टी के बारे में क्रिस्टी जो कि एक बहुत शाही आदमी है और बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है लोगों से बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति है एक दिन उसके अपने फादर से थोड़ी झड़प हो जाती है और वो एक लॉय से अपने फादर को मार देता है उनके सर पे मार देता है और उसके फादर जो है ऐसे गिर जाते हैं जैसे कि उनकी डेथ हो गई है लॉय होता है एक स्पेड एक फावड़ा टाइप का आयरलैंड में इसको लॉय बोलते हैं ठीक है अब क्रिस्टी ये देख के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है फिर जब वो भागते भागते एक गाँव में पहुँचता है तो वहाँ पे जाके उन विलेजर्स को लगता है कि ये कौन भागते भागते वो एक विलेज में पहुँचता है और वहाँ जाके उन लोगों को बताता है कि उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया है और अब वो पुलिस से भाग रहा है तो वो प्लीज़ उसे पुलिस से बचा लें अब जब वो ये सब चीज़ों ने बताता है तो विलेजर्स बिकम वेरी इंप्रेस्ड तो विलेजर्स सोचते हैं कि ये तो बड़ा ही बोल्ड है एंड दे वर्शिप एज देयर हीरो उसे एकदम हीरो की तरह ट्रीटमेंट मिलने लगता है और जो पजीन माइक है वो भी उसकी बोल्डनेस देख करके के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अभी तक जो शॉन है जो बहुत ही कावड़ली टाइप का लड़का है वो उसे छोड़ के क्रिस्टी मेहन से प्यार करने लगती है अब एक दिन क्या होता है कि क्रिस्टी का फादर उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और जब विलेजर्स ये देखते हैं कि वो तो ज़िंदा है तो क्रिस्टी को लगता है कि अब तो मेरी अब तो मुझे ये लोग हीरो की तरह नहीं समझेंगे तो वो उन लोगों के सामने ही अपने फ़ादर को दोबारा से मारने की कोशिश करता है पर इस बार विलेजर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उन दोनों को पुलिस के हवाले करने की सोचते हैं और उन दोनों को एक जगह पर बांध देते हैं फाइनली थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है और क्रिस्टी का फादर और क्रिस्टी है उन दो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दे विल गो टू यूएसए बैक कि वो दोनों अमेरिका चले जाएंगे और जब वो दोनों चले जाते हैं पजीन इज़ लेफ्ट लिमेंटिंग इन द एंड एंड शी सेज दैट आई हैव लॉस द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्रिस्टी वहाँ से चला गया है सो so, बहुत ही फ़नी इसमें सिचुएशंस हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमर भी है सिचुएशनल कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा है पर इस प्ले का बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था आयरलैंड में भी और यू में भी क्योंकि लोग ये लोगों के लिए ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपने फादर का मर्डर कर दिया है उसको एक हीरो की तरह समझा जा रहा है तो एक तरह से आयरलैंड वाले भी इसको एक तरह से बहुत इंसल्ट की तरह उन्होंने लिया एंड देर वर सो मैनी राइट्स पीपल बैनिस्ड वॉचिंग दिस प्ले पर लेटर ऑन द थिंग्स बिकेम सेटल्ड और धीरे धीरे लोगों ने इस प्ले के ह्यूमर की वजह से एंड बिकॉज इट वॉज सो पॉपुलर पीपल स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले बाय जे एम सिंझ द नेक्स्ट वर्क इज़ द टिंकर्स वेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इट्स अ टू एक्ट प्ले इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आयरिश टिंकर्स हैं टिंकर्स होते हैं जो बर्तन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं और इसका जो प्रीमियर हुआ था ये सिंज की डेथ के बाद हुआ था देर आर फो कैरेक्टर्स माइकल बर्न जो कि एक टिंकर है सेरा केजी जो कि उसकी बिलाविड है और मेरी बर्न जो कि माइकल की मदर है और एक प्रीस्ट है तो सेरा कैसी जो है माइकल बर्न से शादी करना चाहती है बेसिकली आयरिश प्रेजेंट्स में क्या होते हैं कि वेडिंग इज़ नॉट वेरी नेसेसरी पर यहाँ पे जो सैरा केजी है शी वॉन्ट्स टू हैव अ प्रॉपर वेडिंग विद माइकल बर्न तो वो उसे फोर्स करती है और कहती है कि मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी अब वो एक लोकल प्रीस्ट के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें टेन शिलिंग्स दूंगी और एक टिन कैन दूंगी बना करके तो तुम हम दोनों की शादी करा दो प्रीस्ट भी रेडी हो जाता है माइकल भी रेडी हो जाता है पर जो माइकल की ड्रंक मदर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रीस्ट की इंसल्ट कर देती है और चुपचाप से उसका जो टिन कैन है उसे चुरा लेती है क्योंकि उसके पास शराब खरीदने के और पैसे नहीं होते हैं जब प्रीस्ट शादी वाले दिन देखता है कि वो टिन तो टिन कैन जो है वो मिसिंग है तो वो उन दोनों की शादी कराने से मना कर देता है सेरा केजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लोकल पेजेंट्स के साथ मिलकर के उसे बांध देती है एक जगह पर और लास्ट में वो लोग प्रीस्ट को छोड़ने के लिए सिर्फ एक बात पर राजी होते हैं कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा और जैसे ही उस प्रीस्ट को छोड़ा जाता है वो उन सब को बहुत ज़्यादा कर्स करने लगता है एंड दे ऑल रन अवे इन मॉक टेरर तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉमेडी एंड क्रिएट्स वेरी फनी सिचुएशन इस प्ले का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इसीलिए इसको सिंझ की डेथ के बाद प्रीमियर किया गया नेक्स्ट प्ले इज़ डियर ड्री ऑफ द सोरोज इट वॉज द लास्ट ड्रामा बाई जे एम सिंझ इट इज़ अ थ्री एक्ट प्ले एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ कैल्टिक मिथ तो एक बहुत पुरानी स्टोरी है उस पर ये बेस्ड है और ये प्ले अनफिनिश्ड रह गया था जे एम सिंह जैसे कम्प्लीट नहीं कर पाए थे और बाद में मोली ऑलगुड जो कि जे एम सिंझ की, की फ्योन से थी और डब्ल्यू बी ईट्स इन दोनों ने मिलकर इस प्ले को कम्प्लीट किया था बाद में जब इसकी परफॉर्मेंस हुई थी मॉली ऑलगुड प्लेड द रोल ऑफ डियरड्रे तो डियरड्रे जो है वो एक बहुत ब्यूटिफुल सी लड़की है जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई है कि अगर ये लड़की बड़ी होगी बड़े होकर के इसकी वजह से आयरलैंड में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और वो बहुत सारे लोगों की मौत का कारण बनेगी कॉन्शिबोर जो कि अल्स्टर का किंग है कौनशिबॉर डिक्लेयर करता है कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा जब ये बड़ी हो जाएगी और नाइसी या नायोस ये है उसना का बेटा उसना के तीन बेटे हैं एक लेडी है उसना उसके तीन बेटे हैं उनमें से एक है नाइसी दूसरा है आइनले और तीसरा है आर्डन ये डियड्रे का लवर है जो कि बाद में डियड्रे से प्यार करने लगता है डियड्रे भी नायास से प्यार करने लगती है देन लेवर शाम डियड्रे की नर्स है फॉर्गस एक कौनशुबॉर का फ्रेंड है और ओवन एक स्पाई है कौनशुबॉर का अब इसमें क्या होता है कि डेयरड्रे बहुत ही ब्यूटीफुल है जब वो पैदा होती है तो उसके बारे में वही भविष्यवाणी होती है कि इसकी वजह से दे विल बी ट्रबल इन आयलैंड एंड शी विल बी द कॉज ऑफ मैनी डेथ्स देन कॉन्शी सेज दैट ही विल मैरी दैट गर्ल वैन शी बिकम्स ओल्ड वैन शी ग्रोज अपियरड्रे डज नॉट लव द किंग वैन शी कम्स ऑफ एज तो डियड्रे बड़े होकर के किसी और से प्यार करने लगती है से और वो दोनों स्कॉटलैंड भाग जाते हैं और वहाँ सात साल तक आराम से खुशी खुशी रहते हैं पर कॉन्शबॉल अभी भी उससे शादी करना चाहता है और उनको वापस लाने की प्लानिंग करता है तो डियरड्रे वापस आ जाती है और उसके साथ उसका हस्बैंड और सभी लोग आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स द किंग मर्डर्स एवरी वन एक्सेप्ट डियरड्रे सिर्फ डियरड्रे को छोड़ के वो सभी को मार देता है और डियरड्रे को पकड़ने की अपने कैद में लेने की कोशिश करता है पर डियर डे अपने लवर का डैगर अपनी हार्ट में ले कर के मर जाती है सो इट्स इन द एंड देयर इज अ ट्रैजडी एंड एवरी वन डाइज एंड कॉन्ट्रीबोर गेट्स नथिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू ऑल ऑफ हिज वर्क इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी एक्ट्स दे हैव एंड वट काइंड ऑफ वर्क दे आर वेदर दे आर अ ट्रेजिडी और कॉमेडी और ट्रैजी कॉमेडी तो जो फर्स्ट वर्क है इन द शेडो ऑफ द ग्लैन ये एक वन एक्ट ट्रेजी कॉमेडी है और इसकी सेटिंग है काउंटी बिकलो राइडर्स टू द सी है ये भी एक वन एक्ट ट्रैजडी है एंड इट वॉज सेट इन एरन आईलैंड तो ये आप देख देखेंगे कि जो पर्पल कलर में दोनों मैंने लिखे हैं जो फर्स्ट टू ड्रामाज थे दोनों ही वन एक्ट थे इसके बाद कोई भी वन एक्ट प्ले नहीं है जे एम सिंझ का ओके दैन द वेल ऑफ द सेंट्स द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और डियड्री ऑफ द सरोज ये तीनों ही स्टोरी जो है एक तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ी लंबी स्टोरी है इसी लिए ये थ्री एक्ट में है और ये तीनों ही ट्रेजडी हैं देन द टिंकर्स वेडिंग ये एक टू एक्ट प्ले है अकेला प्ले है जिसमें टू एक्ट्स हैं और ये भी स्टोरी एक रूरल आयरलैंड में सेट की गई है आई होप कि आपको जे एम सिंज एज अ राइटर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें जितने भी शॉट मैं आपको समझा पाऊँ मैंने उतना समझाने की कोशिश की है एंड में मैंने आपको जो ये चार्ट दिया है यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस आप बाकी के जो स्लाइड्स हैं उनकी भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आपका एक राइटर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया है जेम्स सिंच के बारे में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं दैट ही इज़ अ प्ले राइट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ आयरलैंड एंड हिज रीजन वॉज एरान आइलैंड तो ज़्यादातर स्टोरी एरान आइलैंड में ही सेट की गई हैं इनके दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है राइडर्स टू द सी द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये है क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल हिज वर्क्स राइडर्स टू द सी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं कि वेदर इट इज़ वन एक्ट टू एक्ट और थ्री एक्ट तो आपको याद रखना है कि एक वन एक्ट ट्रैजिडी है जिसमें सभी की ही डेथ हो जाती है लास्ट में सिर्फ कैथलिन नौरा और उनकी जो माँ है मौर्या वही रह जाते हैं प्ले की बिगिनिंग में माइकल जो है उसके ही मरने की खबर आती है ठीक है और जो बाकी सब हैं शॉन पैच माइकल इस्शीमस स्टीफन इन सब की डेथ पहले ही हो चुकी है उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ की भी डेथ सी में ही होती है और बाटले जो है वो मेन लैंड में जाना चाहता है गोलवे फेयर में ये इम्पॉर्टेंट है और मौर्या की दो जो बेटियां बच जाती हैं वो है कैथलिन और नौरा वेल ऑफ द सेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने आपको बता दिया वेल ऑफ द सेंट्स से ही आप समझ जाओगे कि ये सेंट से रिलेटेड है जहाँ वो दोनों की आई रिकवर कर देता है ठीक है एरान आइलैंड्स में क्योंकि जब वो वहाँ रहे थे सारी की सारी डायरी एंट्रीज हैं प्ले बॉय ऑफ़ द वेस्टर्न वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है जिसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले बॉय ऑफ़ द वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर हु इज द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तो आप आंसर कर देंगे क्रिस्टी मेहोन देन वो अपने फादर को किस चीज़ से मारता है तो द आंसर इज दैट ही किल्स हिज फादर बाई ड्राइविंग अ लॉय बट हिज फादर स्कीप्स इट मतलब बच जाता है उससे वो ठीक है ही सरवाइव्स दिस प्ले क्रिएटेड अप्रोर इन आयरलैंड एज वेल एज इन यू एस ए ये आपने इम्पॉर्टेंट है याद रखना है और इस प्ले की जो थीम है वो है द नेचर ऑफ हीरोइज़म एंड हीरो वर्शिप इस प्ले की हीरोइन जो है वो है पजीन माइक जिसका रियल नेम है मार्गरेट फ्लाहटी टिंकर्स वेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद रहेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है डियर ड्रे ऑफ द सोरोस कैल्टिक मिथ पे बेस्ड है तो ये स्टोरी तो ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से चल रही थी पर जे एम सिंस ट्राई टू कन्वर्ट इट इन अ ड्रामा एंड ही सक्सेसफुली डिड इट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्ले और ये कंप्लीट किया गया था यीट्स और मॉली ऑलगुड के द्वारा एंड कॉन्शुबॉर इज़ एनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस तो कई बार इनके कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो आप देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं आपको याद हो जाएंगे इन द एंड आई हैव प्रोवाइडेड अनदर शीट जिसमें मैंने सब लिखा हुआ है कि क्या ये वन एक्ट है या टू एक्ट है या थ्री एक्ट है या फिर ये ट्रेजडी है कॉमेडी है, है या ट्रेजी कॉमेडी है ओके okay? तो ये भी चार्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सोफ़ा अगर आप भी नेट या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई विल भी पोस्टिंग माई वीडियोज़ रिगार्डिंग दैट एज वेल यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द Latest notifications whenever I post a video. Thank you so much.